हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, मैं आज आपके लिए नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। बॉर्डर में जैसे बॉर्डर बनाते हैं, ऐसे इसको बनाना है। दोनों साइड से बनेगा और बॉर्डर टाइप है। ये हमने 7 फंदे बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे उल्टे बने और 7 फंदे इसमें सीधे बने हैं। और साइड में आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। ये दोनों साइड से बनेगा। देखिए कैसे बनाना है इसको, मैं आपको बताती हूँ। मैंने 4-4 फंदे साइड में रखे हैं। आप जितनी चौड़ी पट्टी चाहें उतनी बना सकते हैं। ये पहला फंदा है, इसके भी पास इसी फंदे के ऊपर धागा आगे रखे हुए हम इसको पीछे की साइड बनाएंगे इस प्रकार से। और फिर आगे वाला फंदा हमारा बॉर्डर में बनेगा, एक उल्टा और एक सीधा। इसी प्रकार से हमने ये 3 फंदे पूरे बनाने हैं। ये बन गए और अब हम इस 3 फंदे हमारे उल्टे बने और 3 ही हमारे सीधे बने। अब ये देखिए, मैंने पीछे धागा किया है और जो ये चौथा सीधा फंदा है इसको हम पलट के इसके साथ है, उल्टे फंदे के साथ है, एक फंदा कम कर देंगे इस प्रकार से। एक यहाँ पर हमारा बढ़ गया, ये जाली बन गई है, तो यहाँ पर हमने कम कर दिया है। ये सीधा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। इसी प्रकार से बॉर्डर में ही हम बनाएंगे एक उल्टा और एक सीधा। इसी प्रकार से उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी जैसे हमने पहले बनाई, यानी कि उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। ये उल्टा फंदा है, ये सीधा है। इसी प्रकार से आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये हमारा फंदा उधर से सीधा है, तो हमने इसको सीधा ही बनाना था। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने आगे से बनाया था उसी प्रकार इसको पीछे से बनाना है। अब दूसरी सिलाई, ये देखिए, ये फंदा है जो हमने जाली बढ़ाई थी, इसको अब हम सीधा बनाएंगे इस प्रकार से। और ये फंदा हमारा सीधा बना हुआ है, तो आगे धागा करके दोबारा फिर हम इसी पर जाली डाल देंगे ऐसे। और आगे वाला फंदा उल्टा बनेगा, फिर सीधा बनेगा। और ये हमारा तीसरा फंदा उल्टा बन गया। इस फंदे पर हमने चौथा जो सीधा फंदा है इस पर हमने पहले एक फंदा कम किया था, उसी प्रकार से अब फिर हम एक फंदा यहाँ पर कम करेंगे। ये देखिए, इस फंदे को यहाँ पर पलट देंगे और इस प्रकार से दोनों का एक कर देंगे ऐसे।
ये उल्टा आ गया, ये फंदा हमारा सीधा हो गया, ये उल्टा आ गया और ये हमारा सीधा बन गया। अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, पूरी सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। जाली वाले फंदे को बनाना है, उतारना नहीं है। अगर हम उतार देंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। अब फिर देखिए, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जाली डालते जाना है और ये फंदे जो हैं यहाँ पर मिला देने हैं। इस फंदे को हमने नहीं घटाना, ये फंदा हमारा सीधा चलेगा। इसी प्रकार से बनाते जाएं। और इधर से जो फंदे बढ़ेंगे हमारे, वे हमने पहले सीधा लेना है, फिर उल्टा लेना है और अब अगली बार जो फंदा आएगा हमारा वो सीधा बन जाएगा। इसी तरह से बॉर्डर में ही हमने बनाना है और पूरी जाली यहाँ पर जब तक बनानी है, जब तक ये फंदा हमारा यहाँ पर मिल नहीं जाता। यानी कि कितनी जाली बढ़ती हैं इसमें, ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5 पांच जाली इसमें आएंगी। इसी प्रकार आप बनाते रहें, बहुत सुंदर बनता है। ये देखो चौथा फंदा आ गया हमारा। तो इसके फिर जैसे हमने पहले ऐड किया था, इसको पलटेंगे ऐसे और इसको इसके साथ एक कर देंगे इस प्रकार से, फिर ये सीधा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार से बनाते जाएं। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। जैसे पहले बनाई थी बॉर्डर में, एक उल्टा और एक सीधा। ये इधर से सीधा है तो इधर से उल्टा बनेगा। ये जाली वाला है फंदा, तो इसको हम जाली में बना लेंगे। एक बार और करके बताती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर हम जाली बनाएंगे और ये फंदा जो हमारा घट रहा है, इस फंदे को हम इसके साथ मिला देंगे। इसको हमने नहीं घटाना है, ये फंदा हमारा सीधा चलेगा। और ये जाली बंद होने के बाद आप जितना गैप देना चाहें, 4 सिलाई का 6 सिलाई का उतना गैप देकर दोबारा शुरू कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बनाते रहिए, ये बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। इस कार्डिगन में साइड में भी जन डाल सकते हैं, जैकेट में। इस प्रकार से बनाइए, ट्राई कीजिए।